तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो दोस्तों, आज के वीडियो की एक खास बात मैं ये बता दूं, वीडियो काफ़ी बड़ा है लेकिन अगर आपने पूरा देखा तो सच में आप ये कहोगे कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आज का। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखना यार आज का। चलो तो दोस्तों, पहले मैं आप सभी को सब कुछ बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि यार डुओ जर्नी थी और ये पूरी टीम कैसे खेल रही है एक साथ। तो मैं आपको बताऊँ कि इस सर्वर में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इंडियन बंदे भी खेल रहे थे, तो उनसे हमारी बातचीत हो गई। उसके बाद में मुझे पता चला कि एक बंदे का नाम था मस्टैंग, जो इंडियन है और वो इस सर्वर में खेल रहा था, उसकी टीम भी खेल रही थी, तो वही बंदे थे जो सर्वर वाइप कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा बेस पर उन्होंने रेड कर दी और एसके और मैंने भी 4-5 बेस पर रेड कर दी। तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई एक मतलब चाइनीज प्लेयर है, उसका मतलब पूरा लीजन है, उसके बेस पे रेड करनी है क्योंकि जो वो चाइनीज प्लेयर है वो हैकर है, तो उस बेस पे हमें जल्दी से जल्दी रेड कर देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि अगर उस पे रेड नहीं करेंगे तो हमारा बेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम भी मतलब कम ही बंदे हैं और आप भी दो ही बंदे हो, तो इसीलिए एक साथ हो जाते हैं और उस बेस पर रेड करते हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमने भी हमारे सारे बॉम ले लिए हैं और मतलब मस्टैंग ने भी अपने पूरे बॉम ले लिए हैं। तो दोस्तों, पहले एसके और मैं मतलब मस्टैंग के बेस पे पहुँचे, वहाँ पे जाके हमने हमारी कार बनाई। इसीलिए मैं मेरी वाली कार से आया हूँ, जो कि आप जानते हो यार मेरे पास में कैसी कार है, रेड कलर की। तो अभी देख लो कि यार जो ये चाइनीज प्लेयर है ना, इसका बेस ये ऐसा बना हुआ है और बाहर इसने अलग से भी शायद कैबिनेट लगाई हुई है, मतलब इस बेस में एक कैबिनेट नहीं है, 2-3 है। और इसी के साथ साथ इसकी कार भी उधर खड़ी हुई है, तो उस कार को बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बेस दिखा रहा हूँ, बेस काफ़ी ज़बरदस्त है और मतलब अंदर से पूरा स्टील से अपग्रेड है और बाहर से देख लो आप लोग यार कि पूरा का पूरा आयरन से अपग्रेड तो दिखाई दे ही रहा है। तो आज इसी बेस पे रेड करनी है और मतलब किसी भी तरह से मतलब इसकी कैबिनेट हमें तोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, इसने पूरी तैयारी कर रखी है चाइनीज प्लेयर ने अपने बेस को बचाने की, मतलब इसने इलेक्ट्रॉनिक टूरेट लगा रखे है, कैनन भी लगा रखी होगी यार वैसे। तो यहाँ पे आने के बाद में हमने सबसे पहले अपना एक छोटा सा बेस बनाया है, ये देख लो, और इसको पूरा स्टील से अपग्रेड कर दिया है। अब वैसे तो एक दिक्कत ये नहीं है कि मतलब जो वो चाइनीज प्लेयर है ना, वो अभी ऑफलाइन है, तो इसलिए हम ऑफलाइन रेड मारेंगे, लेकिन चाइनीज प्लेयर कब ऑनलाइन आ जाए ये किसी को पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इसके बेस पर और यहाँ पर रेड स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी दो बंदों के पास में बॉम है, एक तो मस्टैंग के पास में है और एक एसके के पास में, ठीक है। तो ये दोनों ही रेड करेंगे क्योंकि एसके के पास में वो बॉम है जो हमारे पास में थे और मस्टैंग के पास में खुद के बॉम है जो मतलब इन्होंने बनाए थे। तो अभी रेड स्टार्ट कर दी मस्टैंग ने और एक वाल तोड़ भी दिया, वाल नहीं मतलब ये विंडो वाल थी वो तोड़ दिए। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक बात और बता दूँ कि इस बेस पर हमने काफ़ी ज़्यादा बॉम चलाए हैं और वो इसीलिए चलाए हैं क्योंकि देखो, पहली बात तो ये बंदा जो था ना, जिसका ये बेस है, वो हैकर था, तो हैकर अगर रहेगा इस सर्वर में तो सब कुछ बिगड़ सकता है, पहली बात तो ये। तो इसीलिए मस्टैंग ने कहा था कि भाई किसी भी तरह से इस बेस को हमें रेड पूरी तरह से करना है ताकि ये बंदे इस सर्वर में ना रहे। और एक बात ये भी थी कि मस्टैंग के पास में पॉइंट थे अच्छे खासे और जो हमारे पास में पॉइंट थे वो मैंने मस्टैंग को दे दिए थे। वैसे एसके और मेरे पास में ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, लेकिन हमने हमारे पॉइंट मस्टैंग को इसलिए दिए क्योंकि जितने पॉइंट हमारे पास में थे उससे हम एक नंबर पे सर्वर में आ नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा यार किसी का तो भला हो, तो इसलिए मैंने मस्टैंग को दे दिए जितने भी हमारे पास में पॉइंट थे। अब बात रही इस चाइनीज प्लेयर की, तो एक नंबर पे अभी फ़िलहाल ये चाइनीज प्लेयर है, इसके पास में सबसे ज़्यादा पॉइंट है, तो इसीलिए हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब मस्टैंग को पूरे पॉइंट यहाँ पर मिल जाए इस बेस के। तो सारी बात तो आप लोग यार समझ गए होंगे, इसीलिए इस बेस पे इतने ज़्यादा बॉम्ब चलाए हमने कि मतलब किसी भी तरह से इसकी कैबिनेट हमें मिल जाए। तो अभी देख लो, मतलब अभी हमने काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब तो लगा दिए है बेस में लेकिन अभी तक हमें कैबिनेट नहीं मिली है, लेकिन अभी हमारी रेड जारी रहेगी। अभी तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा बजुका की शेल है और भी काफ़ी सारे बॉम्ब अभी हमारे पास में है। अब दोस्तों, वैसे भी सर्वर में और भी लीजन खेल रहे थे लेकिन उन पर रेड की जा चुकी है, मतलब मस्टैंग ने कर दिए उन पर रेड, तो इसलिए वो बंदे तो अभी जा चुके हैं इस सर्वर से, लेकिन अभी तक ये चाइनीज प्लेयर का पूरा लीजन है और मतलब ये हैकर भी है, तो इसलिए हमें इसका बेस तो उड़ाना ही उड़ाना है। अब वैसे मुझे तो ज़्यादा डर नहीं था क्योंकि यार हमने तो रेड कर ली थी, आपको सब कुछ दिखा दिया, अब उसके बाद में हमारे बेस पर रेड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यार देखो मतलब हमारे बेस में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लूट है लेकिन हमारा बेस है ही छोटा सा, तो इसलिए चाइनीज प्लेयर अगर रहा भी तो भी ये हमारे बेस पे रेड करने की सोची गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सर्वर की ये लास्ट रेड है एसके और मेरी। वैसे मस्टैंग तो अभी तक रेड करेगा लेकिन यहाँ पर डुओ जर्नी चल रही थी एसके और मेरी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये
उसके बाद में मैंने मस्टैंग को बोल दिया है कि हमारे बेस में जितनी भी लूट है एस के और मेरे बेस में, वो सारी लूट तुम ले लेना। तो मैंने मस्टैंग को बैग भी दे दिया है वहाँ पे, तो मस्टैंग बाद में हमारी लूट ले लेगा और ये रेड पूरी कंप्लीट होने के बाद में एस के और मैं सर्वर से चले जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद में वैसे भी सर्वर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अभी 45 घंटे बाकी है सर्वर खत्म होने में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम इस बेस के बाहर आए थे ना, तो जो हैकर है ना चाइनीज, वो अपनी कार के ऊपर ऐसे सोया था जैसे उसे किसी का डर ही नहीं है। तो यार उसी से पता चलता है कि बंदा हैक करता है यार। तो यहाँ पे देख लो काफी सारे बेड लगाए हुए हैं यार इस चाइनीज प्लेयर ने अपने। तो चलो अभी मस्टैंग तो रेड करता हुआ अंदर तक जाता जा रहा है और देखेंगे यार इस बेस में क्या क्या लूट मिलेगी, क्योंकि हम एक बार फिर से चाइनीज प्लेयर के बेस पे रेड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब जब चाइनीज प्लेयर के बेस पे रेड होती है तब तब इतनी लूट मिलती है जो आज तक किसी बेस में नहीं मिली। चाइनीज प्लेयर के बेस की आप देख लेना हमेशा, कभी भी आप रेड करके देख लेना, इतनी लूट मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली है। और ये बात झूठ भी नहीं है। तो ये देख लो, मतलब उसका प्रूफ देख लो आप सामने, कितनी गन है इसके पास में और कितनी एमओ है। तो कुछ वेपन स्टोरेज टूट गए हैं बॉम्ब से, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लूट मिली है। और अभी तो काफ़ी लूट मिलना बाकी है यार, अभी तो शुरुआत ही है। मतलब आपने देखा ना कि मतलब कैसे लाइन लग गई यार गन की, इतनी गन रखी हुई थी इस चाइनीज प्लेयर के पास में। अब दोस्तों अगर इसके बेस पे पूरी तरह से रेड हो गई और सारी लूट अगर मस्टैंग के बेस पे चली गई ना, तो सही बता रहा हूँ यार इसका बेस पूरी तरह से लूट से फुल हो जाएगा। तो ये देख लो और भी लूट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यार नीडल्स कितनी सारी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बॉम्ब से नॉक हो गया, क्योंकि मुझे ध्यान था नहीं पीछे बॉम्ब चल रहा है और मैं आपको लूट दिखा रहा था यार। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एसके अभी बचा लेगा मुझे। तो अभी वैसे तो मस्टैंग भी मेरी टीम में ही है। तो यहाँ पे मशीन गया देख लो, मतलब हर चीज़ की पूरी लाइन लगी हुई है। तो पहले मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में आगे आपको और दिखाऊंगा। तो आपको मैंने पहले शुरू में बोला था यार काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लगेंगे इस बेस पर, और आप देख भी रहे हो यार कितने ज़्यादा बॉम्ब चला रहे हैं हम इस बेस में। अब दोस्तों आगे आगे मस्टैंग रेड करता जा रहा है और एसके भी बॉम्ब कई जगह लगा रहा है। तो मैं आपको लूट दिखाता जाऊँगा यार जो जो लूट मिलेगी, ठीक है। अभी ये उधर की साइड में चले गए तो उधर की साइड में तोड़ रहे होंगे, लेकिन इसकी सारी लूट मुझे यहाँ पे दिख रही है देख लो। मतलब सामने फ्रिज भी है और यहाँ पे लार्ज स्टोरेज लगे हुए हैं। तो इसकी कैबिनेट भी वैसे यहीं पे होनी चाहिए, लेकिन कैबिनेट अभी तक नहीं मिली है यार हमारे किसी भी बंदे को। अब दोस्तों जब एसके और मैंने इस सर्वर में शुरुआत की थी ना, तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें मतलब और भी इंडियन बंदे खेल रहे सर्वर में। लेकिन बाद में देख लो यार, मतलब इंडियन बंदे मिल भी गए और हम एक साथ रेड भी कर रहे हैं एक बेस पे। क्योंकि यार देखो ऐसे पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यार देखो सबके नाम ऐसे ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसा ही लगता है कि यार सब विदेशी प्लेयर है। लेकिन जब बैटल चैट में कोई हिंदी बोलता है ना, उसके बाद में हमें पता हो पाता है कि यार ये तो इंडियन है। तो दोस्तों अभी पहले एसके हमारी टीम से निकल गया था, लेकिन अभी वापस टीम में आ गया है, तो इसलिए ये बोल रहा था कि मुझे टीम मिलो, तो इसलिए इनविटेशन भेज रहा हूँ यार मैं। तो कई बार मेरे कमेंट आते हैं चैनल पे यार कि मतलब भाई ये बताओ कि किसी भी दोस्त को अपने साथ में कैसे खिलाया। तो यार देखो इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ आज आपको, बिल्कुल आसान है। अपने दोस्त को इन्विटेशन भेजो और उसके बाद में वो आपकी टीम में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो और भी वेपन स्टोरेज रखे हुए हैं, तो वेपन स्टोरेज तोड़ के देखते यार इसमें कौन सी गन है। ये देख लो यार, मतलब पूरी लाइन ही लगी हुई है यहाँ पे तो लूट की। और यहाँ पे चारकोल दिखाई दे रहा है और गन पाउडर, ये देखो भाई साहब। तो चलो यार मैं जल्दी से एक्सप्लोजिव ले लेता हूँ। और ये देख लो जीपी भी कितना सारा है। तो एसके को तो काफ़ी सारी लूट मिलती जा रही है, इसलिए वो तोड़ता जा रहा है यार, मतलब लार्ज स्टोरेज और वेपन स्टोरेज। उधर बजूका भी पड़ी थी अभी मुझे दिखाई दी थी, लेकिन मैं थोड़ा इधर आ गया यार वो इसलिए क्योंकि उधर बजूका चला रहा है मस्टैंग। अब दोस्तों इस बेस की जो मैंने अभी तक लूट आपको दिखाई है, उससे आप समझ गए होंगे कि यार क्या क्या लूट मिल जाएगी हमें अगर इस बेस की कैबिनेट टूट गई। तो वैसे तो अगर कैबिनेट ना भी मिली तो भी यार हम इतने बॉम्ब लगा रहे हैं इसमें, तो पूरा बेस हम बिल्कुल खोखला कर देंगे, हर तरफ से तोड़ देंगे, बिल्कुल भी इस चाइनीज प्लेयर की लूट को छोड़ेंगे नहीं, चाहे से लूट की डिस्पॉन क्यों ना हो जाए। क्योंकि यार दोस्तों देखो मस्टैंग ने कहा था कि मतलब भाई अगर इस बेस को हमने रेड नहीं किया तो उसके बाद हमारा बेस नहीं रह पाएगा, वो चाइनीज प्लेयर हमारे बेस पे रेड कर देगा। तो इसीलिए वो पूरा जोर लगा रहा है यहाँ पे, मतलब इस बेस को पूरी तरह से तोड़ने में, और जल्दी जल्दी बस कैबिनेट मिल जाए वो यही सोच रहा है।
लेकिन यार दोस्तों, मतलब हमने इतने ज्यादा बॉम्ब लगा दिए, इतनी वाल टूट चुकी है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि यार इसकी कैबिनेट कहाँ पे। यार देख लो, मतलब बेस का डिजाइन कुछ अलग तरह का बना हुआ है यार अंदर से। बाहर से तो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल सिंपल डिजाइन है, लेकिन अंदर हमें मतलब इतना ज्यादा टूट गया बेस, फिर भी कैबिनेट अभी तक भी दिखाई नहीं दिए कहीं पर भी। और जिधर की साइड में अभी ये रूफी लगी हुई है ना, क्योंकि एसके ने मुझे बताया था कि रूफी लगी हुई है, उसके पीछे कैबिनेट होगी, लेकिन उसके पीछे जब हमने जाकर देखा ना, तब हमें पता चला वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टूरेट लगा रखा है यार चाइनीज। मतलब बताओ यार, जहाँ पे कैबिनेट होनी चाहिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टूरेट लगा रखा है। तो इसी तरह से मतलब इसका बेस कुछ अलग टाइप का बना हुआ है, वेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि मतलब मस्टैंग भी इधर ही था और एसके जाके उधर साइड में बॉम्ब लगा दिया, तो इसीलिए मस्टैंग नॉक हो गया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्टैंग को अभी रिवाइव मिल जाएगा यार। तो एसके भी इधर उधर मतलब बॉम्ब लगाता हुआ घूम रहा है, लेकिन एसके के भी समझ में नहीं आ रहा कि कैबिनेट कहाँ पर होगी। वैसे मैंने भी बताया था कि यार ट्राई करते रहो, मुझे जहाँ जहाँ पर लगा कि मतलब कैबिनेट हो सकती है वहाँ वहाँ की वाल हमने तोड़ दी, लेकिन फिर भी कैबिनेट नहीं मिल पाई। आज तक हमने इतनी रेड की यार, मतलब ये बेस सबसे अलग है यार। चलो तो यार दोस्तों, अभी आगे और पेटियाँ गिरी हुई है, तो मैं आपको और लूट दिखा देता हूँ इस बेस में और क्या क्या मिल रहा है देख लो। तो यहाँ पे सिंपल ऑयल बॉम मिल गए हैं, लेकिन मेरा बैग पूरी तरह से फुल हो चुका है यार। अब क्या किया जा सकता है यार, बैग ही फुल है तो। और दोस्तों मुझे लग भी रहा है कि मतलब अभी जो हमारे बाकी टीममेट है ना, वो लूट नहीं उठा रहे, क्योंकि वो ये सोच रहे कि यार जल्दी से कैबिनेट मिल जाए, बस कैबिनेट मिली और उसके बाद में पूरा बेस ही तोड़ के और सारी लूट कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यार अभी दिक्कत ये हो गई कि कैबिनेट ही नहीं मिल पा रही है इस बेस में। और एक बात और बता दूँ, जैसे हम अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी बाहर जाने का मैं सोचूँ ना, तो यार काफ़ी देर लग जाएगी इस बेस से बाहर निकलने में। मतलब भूल भूले ये टाइल का बेस है यार, और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी जगह से हमने इसको तोड़ दिया कि मतलब बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, एक और वाल तोड़ दिया मस्टैंग ने, लेकिन यहाँ पर भी कैबिनेट नहीं है। मतलब यार बेस में कहीं पर कैबिनेट हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब दोस्तों वैसे मैंने हमारे सारे टीममेट को एक बात बोली थी कि यार एक काम कर लो, पहले जो बाहर कैबिनेट लगी हुई है वो सारी कैबिनेट तोड़ दो, क्योंकि वो तो आसानी से हमें मिल जाएगी, वो तो हमें मतलब दिखाई दे रही है वाल के अंदर है। लेकिन ये सोच रहे थे कि मतलब पहले अंदर की कैबिनेट उड़ा दे, उसके बाद में बाहर की को देखेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमारे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, मैंने यही सोचा फिर कि यार बॉम्ब लगाते रहो इस बेस पे और वाल तोड़ते रहो, कहीं ना कहीं पे कैबिनेट मिल ही जाएगी यार हमें। आपने इतनी ज्यादा बजूका चलाते हुए देख लिया है अभी इस बेस में, और कितने बॉम्ब लगा चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कैबिनेट नहीं मिली, तो यार ये किस्मत की बात है। पूरा का पूरा घर अंदर से तो टूट ही चुका है, देख लो आप कितना ज्यादा बेस को हमने तोड़ दिया, लेकिन अभी भी मस्टैंग यार और तरफ भी रेड कर रहा है इस बेस में ही। तो दोस्तों अभी फिलहाल देख लो, एसके ने काफी सारे हेडमेट लगा दिए और बॉम्ब से कभी नॉक भी हो गया यार ये। अब ये काम तो ऐसे ऐसे करता है, एक बार तो मन करता है कि इसको रिवाइव ही मत दो, लेकिन फिर उसके बाद सोचता हूँ यार रिवाइव तो दे देना चाहिए यार, अपना टीममेट है। तो अभी मस्टैंग भी रेड कर रहा है यार, लेकिन अभी तक कैबिनेट नहीं मिल पा रही। लेकिन हमें लग रहा था कि जो ये स्टील विंडो लगी हुई है ना, इसके अंदर कैबिनेट हो सकती है, क्योंकि यार उसके अंदर हमने देखा था, लेकिन कैबिनेट दिखाई तो नहीं दे रही थी, तो हमें लगा शायद हो सकता है कोई ग्लीच हो। नाइस। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉनिक टूरेट लगा हुआ है अंदर की साइड में। कमाल की बात है, जहाँ पे कैबिनेट होनी चाहिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टूरेट है, लेकिन मतलब ऐसा शक आ रहा है मुझे कि कैबिनेट यहीं कहीं पे होनी चाहिए। अब यार पता नहीं देखो पक्का कि मतलब कैबिनेट है या नहीं है, हर तरफ से तोड़ के देख लिया वैसे तो। अब यहाँ पे जो शक है मुझे कि मतलब कैबिनेट यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे नीचे से भी बेस को तोड़ दिया, ऊपर हाफ वाल में कैबिनेट हो नहीं सकती है, और ये इधर की साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ देख लो, तो कहीं पे भी कैबिनेट नहीं दिखाई दे रही। और अभी भी देख लो मतलब यार बॉम्ब पे बॉम्ब लगाए जा रहे हैं कंटिन्यू यार। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतने ज़्यादा बॉम्ब चलते हुए दिखाई दिए, एक तरह से बॉम्ब यार पूरी तरह से बेस पे बारिश ही हुई है यार, तब भी देख लो हमें कैबिनेट नहीं मिली है। तो यार मतलब हम लोग मेहनत तो काफ़ी करते हैं यार, फिर भी कभी कभी हमारी किस्मत साथ नहीं देती, ये देख लो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कैबिनेट तो नहीं मिली थी, लेकिन जो हमारी टीम है वो हार मानने वाली नहीं थी यार, देख लो मतलब अभी भी मतलब एसके के पास में तो बॉम्ब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, एसके ने तो लगा दिए सारे बेस में, लेकिन अभी तक मस्टैंग के पास में और भी बजूका चल रही है। मस्टैंग ये बोल रहा है कि मतलब इस बेस को तो पूरी तरह से उड़ा के चलेंगे, चाहे से कैबिनेट मिले या ना मिले।
अब दोस्तों कुछ भाई लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि भाई आप हमें मतलब इतने दिनों से खेल रहे तब भी आप खेलने के लिए नहीं लेते अपने साथ में। तो मैं आपको बताऊं, ये तो डुओ जर्नी था सर्वरी, तो इसीलिए Follow इसमें तो मैं me. किसी को ले नहीं सकता Supplies था, are here. मजबूरी थी मेरी। लेकिन आगे हम जो भी सर्वर खेलेंगे उसमें आप सभी का खुले दिल से स्वागत है यार। आप सभी हमारे साथ Follow में me. आके खेल सकते हो। बस खेलने का एक वो है कि यार मतलब आपको टाइम पास नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया हमारे साथ में खेलने का तो फिर उसके बाद आओ आराम से। अगर आप मतलब पीवीपी वाले प्लेयर हो, रूम करते हो, तो रूम कीजिए, और अगर आप फार्मर हो तो फार्मिंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे से आप 2 घंटे ही खेलो एक दिन में, लेकिन मतलब जब भी खेलो ना तो अच्छा खेल के दिखाओ यार। फार्मिंग ही अगर आप करते हो तो अच्छी करो यार, और अगर रूम लूटिंग करते हो तो रूम लूटिंग ही करो, 2 घंटे 3 घंटे जितने टाइम भी आप खेलते हो। अब वैसे तो देखो एक बात ये भी है कि पहले तो हम रैंक सर्वर में खेलते थे तो ऑनलाइन रहना इतना ज़रूरी नहीं रहता था, लेकिन अब एक बात ये भी है कि अब हम रैंक सर्वर में नहीं खेल सकते, वो न्यू प्लेयर के लिए हो गया है। तो इसलिए अब हमें मतलब बैच सर्वर ही खेलना पड़ता है, वो भी रैंक ही वैसे। लेकिन इसमें क्या होता है मतलब यार बैच आती है तो इसीलिए सारे बंदे मतलब नाइट में भी ऑनलाइन रहते हैं, तो इसीलिए आपको भी ऑनलाइन रहना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा टाइम यार। आप लोग भी समझ सकते हो कि सबको बेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे साथ खेलने के काफ़ी तरीके हैं। आप मुझे गेम में मैसेज कर सकते हो, इसी के साथ साथ डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में मुझे बता देना यार जिस जिसको खेलना है। हम सभी को मौका देंगे खेलने का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब काफ़ी भाई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि बैच कौन लेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ यार। देखो कि अगर जैसे एक सर्वर हम लोग जीते और जैसे 10 बंदे हमारे साथ में खेल रहे हैं एक सर्वर में, तो पहले हम 8 बंदों को बैच देंगे। जैसे कि 8 बंदों को मिल सकती है ना, 2 बैच आती है, तो दोनों बैच अगर अपने पास में आई तो 8 बंदों को बैच मिल जाएगी। उसके बाद में जो बाकी बंदे हमारे रहेंगे जिनको बैच नहीं मिल पाई, तो फिर उसके बाद अगला सर्वर खेलेंगे उसमें उनको बैच देंगे, और पहले वाले 2 बंदों को नहीं देंगे, 2-3 बंदों को मतलब। तो इसी तरह से मतलब सबको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अच्छी मेहनत करनी है। जो सिर्फ टाइम पास करेगा उसको फिर उसके बाद बैच भी नहीं मिलेगी, और उसको साथ में भी नहीं खिलाएंगे, ये आप लोग भी समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो कि मेरे पास में कितनी ज़्यादा लूट है अभी। तो एक्सप्लोसिव हो गया है लगभग मेरे पास में 400, और इसी के साथ साथ ये देख लो मतलब एमओ है और कुछ गन है, और यहाँ पे अभी कुछ गन और पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छे हाई वेपन जितने भी वो सभी यहाँ पे है, जैसे कि QBZ है, M4 है, और AKM है, बैरल है, तो सारी गन है यहाँ पे यार। लेकिन अभी तक हमारे बाकी टीममेट इन्हें कलेक्ट नहीं किए हैं। तो दोस्तों वैसे तो हमने इस बेस पे काफ़ी बॉम्ब लगाए और कैबिनेट ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लास्ट में मतलब अभी भी हमें नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए मैंने सभी को बोल दिया कि यार चलो अब जब कैबिनेट नहीं मिल पाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी अब इस बेस के सारे लार्ज स्टोरेज हमने तोड़ दिए, सारी लूट या तो कलेक्ट कर लो या फिर डिस्पोन हो जाने दो, उसके बाद में वो चाइनीज प्लेयर कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता है आप लोगों का। तो ये 2 लार्ज स्टोरेज और थे, इनको भी देख लेते हैं इनमें क्या क्या है अभी। तो चलो इसमें तो ये लूटती है, अब इस पर भी फायर करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है यार, देखते हैं अब इसमें क्या लूट मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा लेग कर गया, क्योंकि यार मतलब लेग हो ही जाता है यार इस गेम में, चाहे से कितनी भी ज़्यादा रैम हो। तो यहाँ पे कुछ कार्ड थे आप लोग देख लो, और यहाँ पे वुड थी, और ये देख लो ये जो आइटम आपको दिखाई दे रहा है, टूल बॉक्स, रेसिपी, ये सब ऑपरेशन बेस में काम आता है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप इनको वेंडिंग मशीन में सेल करोगे ना ऑपरेशन बेस में, तो ये काफ़ी टिकट में जाता है यार, ट्रेड टिकट में, तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से आप इनको ट्रांसफ़र कर ही सकते हो ऑपरेशन बेस में, और फिर उसके बाद वहाँ पर सेल कर देना यार, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। अब दोस्तों अगर आपको ट्रांसफ़र करने की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना यार, फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे। वैसे ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जानकारी करेंगे यार और वीडियो बनाएंगे कि कैसे मतलब इधर की लूट ऑपरेशन बेस में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इतनी ज़रूर मुझे जानकारी है कि ऑपरेशन बेस में एक मेल बॉक्स लगता है यार, और फिर उसके बाद में इधर की लूट उधर जा सकती है। कुछ लूट मतलब सारी लूट नहीं जा सकती, कुछ लूट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों देख लो कि मतलब वैसे तो कैबिनेट नहीं, अभी भी बॉम्ब लगा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार हो सकता है कैबिनेट मिल जाए, लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया कि यार बॉम्ब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वैसे भी इस बेस में कैबिनेट नहीं मिल पा रही। और देखो मतलब वैसे तो सारी लूट डिस्पोन हो ही चुकी है यार, अब तो बहुत कम यहाँ पे पेटियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो या तो ये लोग मतलब जितने भी हमारे टीममेट इन्होंने लूट कलेक्ट कर लिए और बाकी लूट डिस्पोन हो ही चुकी है, तो
अभी मस्टैंग भी यही सोच रहा है कि यार अब चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यार दोस्तों इतने बॉम्ब लगाने के बाद में भी जब कैबिनेट नहीं मिली तो अब यार नहीं मिलेगी, मुझे भी पता है, ये बात आप लोग भी समझ रहे होंगे। क्योंकि कई बार हमें ऐसा बेस मिल जाता है जिसमें लास्ट में सब कुछ मिल जाता है लेकिन कैबिनेट ही नहीं मिलती, क्योंकि बंदे ऐसी ऐसी जगह कैबिनेट छुपा देते हैं। अब ये बंदा तो ठहरा भी हैकर, तो क्या पता कैबिनेट को हो सकता है जमीन में लगा दिया हो, यार कुछ भी कर सकते हैं यार हैकर। अब दोस्तों वीडियो का आप लोग यहाँ तक देखे हो तो थोड़ा आगे तक और देख लेना, क्योंकि लास्ट में मैं इस बंदे की कार भी फोड़ के दिखाऊंगा आप सभी को, और ये दिखाऊंगा कैसी कार है इसकी। ओके तो दोस्तों ये इस सर्वर की लास्ट रेड थी हमारी, अब इसके बाद में हम एक और सर्वर की शुरुआत करेंगे और टीम के साथ में खेलेंगे इस बार, तो जिसको भी आना हो साथ में खेलने के लिए वो आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जिन भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।